हेलो फ्रेंड्स, आपका हेमास किचन में स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने ये आधा सीताफल कट कर लिया है, लगभग ये आधा किलो के करीब होगा। इसको मैंने धो के बारीक बारीक काट लिया है। छिलका मैंने इसलिए नहीं उतारा क्योंकि इसका छिलका कच्चा है अभी। और मैंने कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें मैंने मेथी के दाने डाले हैं आधा चम्मच। दो प्याज चॉप करी हुई मैंने डाली हैं। अब इनको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने अब इसमें लाल मिर्चें डाली हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए आप। हल्दी डाली है मैंने आधा चम्मच, इसमें धनिया डाला है आधा चम्मच, अमचूर डाला है। और अब मैं ये बारीक कटे हुए दो टमाटर डाल रही हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और यहाँ पर मैं कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ आधा चम्मच, और इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें धनिया डालूँगी और ये सारी चीज़ें अच्छे से टमाटर गलाने तक इसको मैं फ्राई करूँगी। और ज़रूरत लगे आपको तो इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर लीजिए ताकि मसाले हमारे जले ना। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस में कुछ भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए भी। अब फ्रेंड्स मैं इसमें 2-3 चम्मच फ्रेश दही डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास दही फ्रेश नहीं है तो आप ना डालिए। अब मैं इसको अच्छे से तेल छोड़ने तक पकाऊंगी। कसूरी मेथी डाली है फ्रेंड्स इसमें, आधा चम्मच के करीब कसूरी मेथी डाल दी है। हींग डाली है मैंने। मसाला ऑलमोस्ट डन है फ्रेंड्स। ये अच्छे से हमारे सारे मसाले पक चुके हैं और तेल भी छोड़ दिया है मसाले ने। अब मैं इसमें कटा हुआ कद्दू डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे फ्रेंड्स और अच्छे से सारी सब्जी को मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स अब इस कद्दू की सब्जी को मैं 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही भूनूंगी। फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने पिसी हुई चीनी डाली है लगभग 1 चम्मच के करीब। अगर आप मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने इसमें काला नमक भी ऐड किया है। इसकी जगह आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं चीनी की बजाय। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी। गैस को मैं लो टू मीडियम पर रखकर इसको कुछ टाइम ढक के पकाऊंगी और बीच बीच में इसे खोलकर हम चेक करते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स 5-6 मिनट के बाद हमारी सब्जी हाफ डन है। अब मैं इसको रई से या कड़छी से, जिससे भी आपको सही लगे, इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा मैश कर दूंगी। अभी मैं इसे थोड़ा सा और ढक के पकाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स 5-6 मिनट के बाद हमारी सब्जी बनकर तैयार है। देखिए फ्रेंड्स कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी बनकर तैयार है। अब आपको जैसी रखनी है, अगर सूखी रखना चाहते हैं तो इसका पूरा पानी सुखा सकते हैं, अगर लटपटी रखनी है तो इसे थोड़ा सा लटपटा भी रख सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डाली है। फ्रेंड्स सब्जी बनकर तैयार है। एक बार मेरे कहने पर ये खट्टी मीठी सब्जी बनाकर देखिए। झटपट तैयार होने वाली कद्दू की सब्जी आपको कैसी लगी इसे ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइए। आशा है फ्रेंड्स आपको ये सब्जी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।